हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कल का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और निफ्टी का एक्सपायरी का लेवल्स देख लेंगे यहाँ पे। आज एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने कल बताया था कि ए वाला लेवल मतलब 40,830 का लेवल का क्रॉस किया हुआ है। मतलब एक स्विंग है वो क्रॉस किया हुआ है, बट यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है, बट ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था कल के दिन ये वाला। ओके, दिस वन। ओके, अब ये आज के दिन के लिए यहाँ पे क्लोज दिया हुआ था, मतलब 41,060 और 70 तक क्लोज दिया हुआ है। कल कल के दिन यहाँ पे ओपन होना चाहिए, इस लेवल के ऊपर ओपन होना चाहिए और इस दोनों के ऊपर होना चाहिए, इन बिटवीन दिस वन। ओके, यहाँ पे इसका लेवल देखेंगे यार। डे हाई का, प्रीवियस डे हाई का लेवल है वो। ओके ओके, यहाँ पे देखो 41,075 एंड 41,210 इन बिटवीन दिस पॉइंट। ओके, 130-140 का आसपास यहाँ पे हो सकता है। इन केस कल कल के दिन इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों के बीच मार्केट खुला, ओके, सस्टेन होना चाहिए ये लेवल और ये वाला लेवल और ये वाला लेवल से। सस्टेन होके ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए, ऊपर ब्रेकआउट देके इस लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए। ओके ओके, इस लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए 41,210। ओके, बाद में ही हम कॉल साइड देख सकते हैं 41,400 का टारगेट रख सकते हैं। इन केस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आज 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 क्या हुआ था, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे है। आज आज यहाँ पे जस्ट एक पुल बैक आया था, बाद में ऊपर गया ये लेवल को, बाद में और नीचे आया। ओके, इस लेवल से और यहाँ पे डे ओपनिंग पे थोड़ा सा ऊपर आ गया। मतलब ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का डे ओपनिंग। ओके, कल का डे ओपनिंग ये वाला लेवल। ओके, 41,000 एग्जैक्टली। ओके, 41,000 का लेवल। ओके, इसके बाद ओके, इसका नीचे खुल गया ये लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस डे और प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस स्विंग। ओके, यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, पुट साइड आ सकता है फर्स्ट लेवल दिस वन 40,600। ओके, फर्स्ट लेवल टारगेट देख सकता है पुट साइड। और यहाँ पे कॉल साइड मतलब ये इसके ऊपर रहना चाहिए 41,210, इसके ऊपर कॉल साइड देख सकते हैं। ये निफ्टी का हो गया। अभी एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे हुआ, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। यहाँ पे जस्ट एक प्राइस एक्शन बना हुआ है ये वाला लेवल, हायर है हायर लो। ओके, ये वाला लेवल। ओके, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना चाहिए नीचे। ओके, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना चाहिए नीचे तरफ ये वाला। ओके ओके, अब मतलब हायर लो लोअर हाई लो हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है अभी। ओके, इन केस कल के दिन ये वाला लेवल का नीचे आना चाहिए। ओके, नीचे आके 40,800 के और रिटेस्ट करना चाहिए। ओके, रिटेस्ट करे तो यहाँ पे मिल सकता है 40,700, 40,600 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट मिल सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्लोज हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है 40,900 को क्लोज हुआ है। अब हाई 40,075। ओके, प्रीवियस डे हाई मतलब आज का हाई ये है
ओके, इसके ऊपर ओपन होना चाहिए कल, मतलब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट दे दे सकता है कल के दिन। ओके सपोर्ट दे सकता है। ओके सपोर्ट देके इसको रिटेस्ट करना चाहिए यही सपोर्ट को। बाद में क्वाल साइड देख सकते हैं 41,200, 41,300 तक देख सकते हैं। ओके दिस इज द निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालिसिस। एंड यहाँ पे निफ्टी निफ्टी एनालिसिस क्यों जाएंगे, अभी सब ड्राइंग्स रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम, 1 डे का टाइम फ्रेम देखता हूँ मैं। ओके फर्स्ट, ओके ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये डाउन ट्रेंड होते आ रहा है अभी। ओके ये लेवल क्रॉस करना चाहिए। ओके ये लेवल, ओके ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ओके इसके बाद इसको मतलब इसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए। ओके 1 डे टाइम फ्रेम पे, मतलब अभी बुलिश बनाते जा रहा है। ओके बुलिश बनाते जा रहा है, एक पॉज आया हुआ था ये लेवल पे। ओके ये लेवल पे पॉज आया हुआ था, मतलब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकता है। ओके ये वाला लेवल सपोर्ट हो सकता है। ओके ये वाला लेवल सपोर्ट हो सकता है, दिस वन सपोर्ट हो सकता है। ओके ओके 41,280। ओके इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, उसको गैप फिल करके ऊपर जाएगा। ओके गैप फिल करके ऊपर जा सकता है कल के दिन। अभी अभी देखो यहाँ पे ओनली 3, यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन हुआ हो गया, आज का बुलिश मार्केट दिखा है। ओके यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे तो क्रॉस कर दिया इसको, ये रेजिस्टेंस को और ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे अब प्राइस एक्शन की बात करना है तो 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे ए लेवल, ओके ए लेवल मतलब एक ड्रॉइंग करेंगे इसको, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक जून ड्रॉ ड्रॉ करेंगे, जून से पता चलेगा क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके देखो यही जोन पे एग्जैक्टली रुका हुआ है आज का निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके आज का रुका हुआ, मतलब 2 और 3 दिन बुलिश मार्केट दे रहा था, कल के लिए पॉज पॉज का इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको रेजिस्टेंस लेके एक डोजी कैंडल और इन्वर्टेड एमआर कैंडल बनना चाहिए। ओके नहीं तो इस जोन को क्रॉस करके, मतलब ये लेवल को क्रॉस करके ओपन होना चाहिए कल के दिन, इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए। ओके मतलब ऊपर जाना चाहिए, मतलब ये लेवल 70,600 का लेवल का ऊपर ओपन होना चाहिए कल का मार्केट। ओके डेफिनेटली ये टारगेट मिल सकता है 17,700 और 17,800 का टारगेट कॉल साइड मिल सकता है। ओके अब पुट साइड देखेंगे, यहाँ पे देखो जस्ट एक पॉज, पॉज कहाँ पे है, पॉज ये वाला एक पॉज है और ये वाला एक पॉज है। ओके इन केस इसका नीचे खुल गया, इस लेवल के नीचे मतलब 17,500 के नीचे खुल गया। ओके ये फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 41,480 और इसका प्रीवियस डे लो का टारगेट मिल सकता है। ओके दिस वन दिस लेवल टारगेट मिल सकता है 17,400 का टारगेट मिल सकता है। ओके पुट साइड दिस इज द निफ्टी एनालिसिस फॉर द एक्सपायरी डे। ओके ओके अब देखो यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगा दो, और कमेंट में भी ऐसा बताना कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ कमेंट डालो मेरे वीडियोस में। ओके थैंक यू सो मच।